सो हेयर इट इज़ 7:10 PM इवनिंग टाइम एंड आई वॉज गोइंग विद माई डैड फॉर बाइंग न्यू बुक्स फॉर ऑफ 11th ग्रेड. लाइक न्यू बुक्स के नाम पर तो एक ही बुक लेनी है, बट अभी तो मतलब एक ही बुक लेनी है और दो रजिस्टर्स लेने हैं, स्पायरल रजिस्टर्स फॉर नोट मेकिंग. सो यस, मैं ये तीन चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ. तो मैं भी लाइक रास्ते में हम और लाइक फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है आके, तो मैं बुक्स लेने जा रहा हूँ यहाँ पे. और फिर मैं आप बुक्स लेके आ गया हूँ. मुझे बस बुक ये पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक चाहिए थी, बाकी तो मैंने जुगाड़ कर लिया, वो आगे दिखाऊंगा. और यहाँ पे मेरे भाई को चाहिए था बैलून्स एंड कलर्स, तो हम शॉप पर रुक गए. वहाँ पर हम ये बैलून्स और कलर्स ले रहे हैं. सो यस, उसके बाद मैं आ गया था. एंड अभी मेरा डेस्क कैसा थोड़ा फैला हुआ है, सो इग्नोर दैट. बट हेयर इट इज़ करेंटली 7:51 PM, लाइक ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट. और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई बाय द वे. बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा दूँ, तो ये वाली बुक मैंने जो जुगाड़ करी थी, हमारे यहाँ पे एक दीदी रहती है, तो वो एक मेरे से एक साल सीनियर है, तो मैंने उनसे मांग ली थी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एक बुक. और ये पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी वाली बुक मैं नई खरीद के लाया था. एंड ये स्पायरल रजिस्टर्स जो मैंने नए लिए हैं फॉर नोट मेकिंग. एंड ये वाला मेरे पास एक पहले नया रजिस्टर रखा हुआ था, मेरे पास तो तीन रजिस्टर्स हो गए न्यू. तो मैं इनमें लाइक अपनी नोट मेकिंग करूँगा. तो अभी मैं इनमें से एक रजिस्टर को खोल रहा हूँ, अनपैक कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे हिस्ट्री की नोट मेकिंग करनी है, मुझे हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं. सो ये हिस्ट्री का रजिस्टर है. मैं हर सब्जेक्ट के सेपरेट रजिस्टर लगाने वाला हूँ फॉर नोट्स, बिकॉज 11th में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लाइक चैप्टर्स लाइक देख रहा हूँ. यहाँ पर मैंने इंडेक्स वाला पेज खोल लिया है एंड एक यूट्यूब वीडियो लगा लिया है, जिसमें मैं जो जो चैप्टर्स कट है उनको मैं कट कर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ क्या सिलेबस है हमारा, बिकॉज मेरी पुरानी NCERT है ये वाली. सो इसलिए मुझे करना कर रहा हूँ मैं. फायदे में नए लेक्चर्स तो नई वीडियोस तो नहीं है, बट ये लास्ट ईयर की वीडियो है, तो मैं उसमें से ही देख रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं. और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. बाद में यहाँ पर चैप्टर 2 लिखा है, बट ये चैप्टर 1 है, बिकॉज मेरी ऑब्वियसली पुरानी NCERT, जैसे मैंने आपको बता ही दिया. तो यस, मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया. मैंने लेक्चर्स लगा लिया अनुष्या मैम का. ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है लिटरली, बिकॉज मैंने 11th में जब से पढ़ाई स्टार्ट किया, तो मतलब अभी पढ़ाई स्टार्ट किया, तो मैं इनसे ही पढ़ रहा हूँ. मैंने पॉलिटिकल साइंस भी इनसे ही पढ़ी है अभी एक चैप्टर जो पढ़ा है, और मैं हिस्ट्री भी मैंने ये वाला चैप्टर इनसे पढ़ा है. मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं. तो अगर आप भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट्स हो, तो आप भी इनसे पढ़ के देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं मैम. एंड यहाँ पर बस मैं अपनी रीडिंग कर रहा हूँ लाइक, एंड मैम पढ़ा रही है और मैं लाइक रीड भी कर रहा हूँ साथ में NCERT, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर रहा हूँ पेंसिल से और हाईलाइट भी कर रहा हूँ. बाय द वे, दिस चैप्टर इज़ नॉट डिफिकल्ट, मतलब कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, जैसे मुझे लगा था कि हिस्ट्री के चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे, बट ये वाला चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है. आगे देखते हैं आगे चैप्टर्स में होता है क्या, बट ये वाला चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी. इसमें तो बस मैं सुपर टाइमिंग के बारे में बताया हुआ है. अगर आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया 11th का, तो आपको पता होगा. और यहाँ पे 9:32 हो गया, लाइक रात का टाइम हो चुका है, लाइक 9:32 हो चुकी है, और मैं इस टॉपिक पर हूँ, द यूजेस ऑफ राइटिंग. एंड अब मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक लेने, एंड मुझे अभी लंच भी मतलब डिनर भी करना है. अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है, तो मुझे डिनर भी करना है. और मैं एक शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट तो पता नहीं कितना बड़ा, मुझे पता नहीं अब, बट हाँ मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, डिनर ब्रेक. सो मैं आपको मिलता हूँ कल. सो यहाँ पे 11:43 PM हो रहे थे नेक्स्ट डे का टाइम है, और मैं यहाँ पे वापस से लाइक अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर ही देख रहा था, बिकॉज ये चैप्टर बड़ा है, लाइक अब तो सारे चैप्टर बड़े ही होंगे. सो हेलो एवरीवन, राइट नाउ इट इज़ करेंटली 2:07 PM, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और 2 बज रहे हैं. एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और नहीं भी कर रहा हूँ, मतलब कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ यार. ये ऐसा टाइम चल रहा है कि लाइक कुछ करने का मन नहीं करता, लाइक लेजीनेस भरी है पूरी, बिकॉज छुट्टियाँ चल रही है एंड कुछ करने का मन ही नहीं करता है. सो यस, मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेक्चर भी देखा मैंने अभी, और स्क्रोलिंग भी कर रहा हूँ. और बाय द वे, आई हैव अ बैड न्यूज़. मैंने अपनी वाली वीडियो शूट की थी ना, स्ट्रीम सिलेक्शन वाली, वो तो शायद इससे पहले डल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मैंने डिलीट हो गई, फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली पर उसको सेव ही नहीं की गैलरी में. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मैंने जब देखा एडिट करने के लिए उस वीडियो को, वो वीडियो थी नहीं लाइक फ़ोन की गैलरी में. अब वो वीडियो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, दोबारा से शूट करनी पड़ेगी, और मुझे बिल्कुल मन नहीं करा, बट वो करनी पड़ेगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरे चैनल की. तो वो मुझे शूट करनी पड़ेगी दोबारा से. वो वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड की थी और आज मुझे उसको पोस्ट करना था यूट्यूब पर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाऊंगा. तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको आज रिकॉर्ड भी करूँ और आज पोस्ट भी करूँ, और ये वाला ब्लॉग तो चलता ही रहेगा. सो यस,
अभी मैं मुझे ना क्या करना है, अभी मैं जाऊँगा नहाने, लाइक 2 बज गए दोपहर के, अभी तक नहीं नहाया हूँ। देख लो कितना अनप्रोडक्टिवनेस लेजीनेस हो रहा है चारों तरफ। सो यस, और अभी मैं अपना वही कर रहा हूँ, लाइक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूँ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला। दिस चैप्टर इज़ नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, जितना मुझे अभी लगा, क्योंकि लाइक मैं अभी लेक्चर देखा है। सो मैं आपको मिलता हूँ नहाने के बाद, जब मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठूंगा। जब जल्दी से इस चैप्टर के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे खुद से एंड नोट्स भी बनाएंगे। सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब नहाने चलते हैं। क्या स्टार्टेड? सो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ एंड मैं अब बनाने वाला हूँ, अपना रिकॉर्ड करने वाला हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो, जो कि इससे पहले आ जाएगी। नहीं देखिए तो देख लेना जाके। बैकग्राउंड हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। ट्राईपॉड यहाँ पे लगा लिया है, चेयर वहाँ से ला के लगानी है, बैकग्राउंड ये रहने वाला है थोड़ा कुछ इस टाइप का, एंड लाइट यहाँ से आने वाली है। बाय द वे ये वाली लाइट भी है और ये वाली लाइट भी है, ये 2 लाइट्स हैं हमारे पास, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज नेचुरल लाइट जिंदाबाद, बहुत नेचुरल लाइट है हमारे पास। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by it.